चलो बच्चों कंटिन्यू करें। ओके अब हम लोग है ना एनाटॉमी ऑफ सिर्फ डाइकॉट लीफ डिस्कस करने वाले हैं, ओनली एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ इन डिटेल, यानी डाइकोटिलेडोनस प्लांट के जो लीफ होते हैं ना उनका इंटरनल अपीयरेंस, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना उस बारे में बात करेंगे। ध्यान से इसको फॉलो करना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर बोर हो रहा है तो तू इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख। पहली बात बोर क्यों होना चाहिए तुझे, पढ़ाई करने आया ना, बोर नहीं होना चाहिए। चल ध्यान दे बराबर से। ओके सो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ, अब इसमें बेटा इमेजिन करो सपोज ये एक लीफ है बेटा। ओके अब इस लीफ को हम लोग यहां से कट कर रहे हैं। अब इस लीफ को जब यहां से कट कर देंगे सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट इज, मेरे साथ इमेजिन करो बेटा। ओके इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना ज्यादा हम लोग इमेजिन करेंगे उतना बेटर अपने को याद रहेगा बेटा। ओके बाकी अपना चौक पूरा कमाल कर देगा, जो प्रोजेक्टर और टेक्नोलॉजी भी नहीं कर पाएगा, जस्ट तेरा माइंड, तेरा इमेजिनेशन और मेरा चौक, इट विल वर्क मैजिकली, ध्यान दे देगा। ओके तो इसको यहां से अगर कट कर देना, इस लीफ का अब तू देखा, अब कहानी घूम रही है, तो इस लीफ का ये हो गया कट सरफेस, ये ऊपर का टुकड़ा हो गया कट के अलग हो गया, और ये नीचे का टुकड़ा कट के अलग हो गया, राइट? थ्री डायमेंशनल सोच, तो उसको काटेगा तो ये कट सरफेस है और ये कट सरफेस है। अच्छा अब इस वाले कट सरफेस को थोड़ा घुमा के मैं ड्रॉ करता हूं, अगर इसको थोड़ा टर्न करके मैं ड्रॉ करूं बेटा सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आज का लेक्चर में डायग्राम और नेमिंग बहुत है, देखते हैं। ठीक है राइट? अच्छा देखो बेटर और इमेजिनेशन चाहिए तो सोच के यहां पीछे की तरफ लीफ का बाकी का हिस्सा होगा। ओके और ये आगे वाला टुकड़ा निकाल दिया हम लोग ने, तो हम लोग सिर्फ ये वाले कट सरफेस की देख रहे हैं। अच्छा सर अब देखो सवाल, अवस्थी सर मुझे एक बात बताओ, यहां आपने ये वाला हिस्सा फूला हुआ क्यों बताया है? अच्छा मैंने उसको फूला हुआ इसीलिए बताया बेटा क्योंकि लीफ के एकदम बीच में जो लाइन है ये लाइन मोटी होती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब, करेक्ट है? ओके तो इसका मिडरिब ड्रॉ करो अभी। अब जब उसको काट दोगे तो उसका मिडरिब यहां ऐसा गोल रहेगा ना बेटा, और मिडरिब के अंदर ही वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम का बंडल होता है बेटा, राइट? अच्छा अब यहां जो तुम सोच रहे हो ना ये लीफ अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर का कट सरफेस है इसका, अब आने तो इसका मिडरिब ऊपर से, अब इसका जब मिडरिब आ रहा है ना बेटा तो इसका मिडरिब उसके अंदर जो भी वैस्कुलर टिश्यू रहेगा वो यहां नजर आएगा। इतना क्लियर हुआ? सुनते यार रे जबरदस्त टॉपिक जाने वाला। ओके फाइन, फिर उसके बाद अब मिडरिब से जो लाइंस निकलती हैं उसको हम लोग बोलेंगे वेन्स, और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम लोग बोलते हैं वेनेशन, और क्योंकि डाइकॉट प्लांट है अरेंजमेंट ऑफ वेन इज कॉल्ड एज वेनेशन, और क्योंकि मेरा बेटा हम लोग डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी अभी मैंने देखो टेक्निक सिखाया था डॉक्टर, यानी डाइकॉट में कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन यानी नेटवर्क लाइक, अब देखा ध्यान से, तो अब इसमें से लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल एक वेन निकली और दोनों भी तरफ, ओके जो बीच वाले मिडरिब से थोड़ी कम मोटी है बेटा, और फिर बाजू में और एक वेन निकली जो और भी कम मोटी है, यानी कंपैरेटिवली पतली होती जा रही,
और इनका ये ब्रांचिंग है बेटा। अब यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं थ्री डायमेंशनली। सो लेट्स से इसमें से एक ब्रांच निकला जो थोड़ा कम मोटा है, सो उसका सर्कल। अलग से इसी में से एक और ब्रांच निकला, उसका सर्कल। बिकॉज रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक ना, ये तो कैसा भी जाता है बेटा। अब यहां इमेजिन करो ये मेन था। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल इसमें का एक ब्रांचिंग आया और ये इससे कम मोटा है, तो ये अंदर से ऐसे घूम के आएगा ना बेटा, जैसे ये अंदर से घूम के आया था। ओके राइट सेम। अच्छा फिर लेट्स से अगर इसमें का भी ब्रांचिंग है और भी पतला है, इसमें का ब्रांचिंग और भी पतला, राइट फाइन, इतना क्लियर बेटा। अब ये जो सर्कल है ना इसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब ये सर्कल को मैंने यहां ड्रॉ किया, ये वैस्कुलर बंडल है। तो यहां तुम क्या देख रहे हो कि वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग है। और थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि डाइकॉट प्लांट में कैसा ना कि वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। और ये वैस्कुलर बंडल का साइज किस पर डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। और इसका वेनेशन का पैटर्न कैसे है, रेटिकुलेट वेनेशन ना। देखो क्या कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट जुड़ते जाता है बेटा। अगर एक एक बारीकी पकड़ोगे ना तो बायो बिकम्स बायो, दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज योयो बायो बेटा। अब यहां पे ये पूरे सेक्शन को और डिटेल में ले चलते हैं। अब इससे पहले ना मैं तुझे और एक बात बताना चाहूंगा बेटा। कट सरफेस में ये वाला ऊपर वाले सरफेस का हिस्सा ना, यानी ये वाला ये पूरा, तो ये हो जाएगा इसका अपर एपिडर्मिस वाला सरफेस, राइट। अच्छा कट सरफेस में ये वाला नीचे का हिस्सा बेटा, तो ये हो जाएगा इसका लोअर एपिडर्मिस। अब ये पूरे सेक्शन को हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे। यानी कैसा होता है, मतलब जब एक लीफ को ऐसा हम लोग काटते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर कौन से सेल्स और उसका क्या अपीयरेंस दिखता है, उसके टिश्यूज का अपीयरेंस क्या दिखता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। अपनी भाषा में हम इसको बोले पोस्टमार्टम कर रहे हैं लीफ का, चीर फाड़ कर रहे हैं और उसका डिटेलिंग पूरा देख लेने वाले बेटा। तो अब ये पूरे सेक्शन को मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा बेटा। ओके अब ये जो जा रहा है ऊपर का अपर एपिडर्मिस, ओके राइट, दैट अपर एपिडर्मिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। अब अपर एपिडर्मिस में कैसा है ना कि उसके पास बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। अब इसमें एक रफ शेप ले लेते हैं, यहां से मोटा होना चाहिए और ये भी यहां से थोड़ा मोटा, चलो ठीक है ये गाइडेंस अच्छा रहेगा। आप फटाफट बनाओ इसे रेक्टेंगुलर शेप सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। पॉइंट टू रिमेंबर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है बेटा, अब जो जो ड्रॉ करते जा रहा हूं ना बेटा उसका नेमिंग भी करते जाऊंगा। लोअर एपिडर्मिस पे भी वो कवरिंग मिलेगा, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक कवरिंग विच प्रिवेंट्स वॉटर लॉस, राइट बेटा। तो यहां हम लोग ने क्या क्या देखा, this covering is called as cuticle, okay। फिर ये जो है this is upper epidermis। अच्छा थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज पे चले, अपर एपिडर्मिस इज ऑल्सो अडैक्सियल सर्फेस, दैट इज डॉर्सल एपिडर्मिस, ऊपर वाला है ना बेटा। अच्छा वैसे यहां पर अगर हम लोग नीचे की तरफ नेम करेंगे सो दिस विल बी लोअर एपिडर्मिस, दिस लोअर एपिडर्मिस इज नथिंग बट अ बैक्सियल सरफेस, नथिंग बट द वेंट्रल एपिडर्मिस। वेंट्रल सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस ना, अभी अभी सिखाया था बॉ बॉ, अ बैक्सियल बॉ मींस बॉटम, राइट, अ डैक्सियल ड मींस डॉर्सल, ओके। अब इसमें नेक्स्ट बात ये याद रखना है कि जो लोअर एपिडर्मिस है ना बेटा वो कंटिन्यूअस नहीं जाता है, उसमें बीच बीच में गैप रहेगा। सो यहां के सेल्स को मैं रफ कर दे रहा हूं,
इस जगह से मैंने इसको रब कर दिया बेटा, ओके, एंड लेट्स से इस जगह से मैं इसको रब कर दिया, अब रब करने का मेन इंटेंशन ये है बेटा कि यहां पर हम ओपनिंग दिखा रहे हैं, इस ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे स्टोमेटा। चलो देखो अब ये डायग्राम को सिस्टमैटिक ले चलते हैं। सो ये क्यूटिकल यहां पर खत्म हो रहा है, क्यूटिकल इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके, और ये सेल्स यहां पर खत्म हो गए। अब दिस सेल विच आई एम ड्रॉइंग, इसको मैं बोलूंगा गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के बीच में जो खट्टा रहता है उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं ना बेटा। सो ये जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, राइट, और ये जो सेल बनाया है आजू बाजू में दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बाजू में सब्सिडरी सेल्स, एक्सेसरी सेल्स, वो सब होता है, वो डिटेलिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ओके फाइन। अब अदर देन दैट व्हाट वी फाइंड इज अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब यहां जो बीच में सारे सेल्स रहेंगे ना, ये मीजोफिल के लेयर है और ये जो सर्कल है ना ये वैस्कुलर बंडल है। सो अभी मीजोफिल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। अच्छा यहां तुमने एक बात नोटिस किया कि हमने अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं बनाया बेटा, क्योंकि अभी अभी हमने डिफरेंस बिटवीन में देखा था डाइकॉट प्लांट में अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता है, जनरली यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सर्फेस, इनफैक्ट मेनी अ टाइम स्टोमेटा इज एब्सेंट ऑन द अपर सर्फेस, और अगर हुआ तो बहुत कम रहेगा, ये याद रखना। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट है तो अब इसका जो मीजोफिल हम लोग बनाएंगे ना, वो मीजोफिल को हम लोग दो लेयर में बांट देंगे। अच्छा वो दो लेयर में बांटने से पहले हम लोग कुछ फिलर सेल्स यहां ड्रॉ करके रखते हैं। स्टूडेंट का डायग्राम स्पीड और क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, ओके फाइन। अब मीजोफिल को रिप्रेजेंट करें, सो मीजोफिल में शुरुआत में जो सेल्स होते हैं ना लंबे लंबे होते हैं ऐसा टेस्ट ट्यूब जैसे, जिसको हम लोग बोलेंगे दीज सेल्स आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड यानी लंबे लंबे हैं, दे आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सर ये सेल्स का नाम क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट दिस इज पैलिसेडेड टिश्यू, ओके, और फिर पैलिसेडेड टिश्यू के बाद नीचे की तरफ अंडे जैसे सेल्स दिखाने का, पर ये सेल्स कंटिन्यूअस नहीं होते, बिखरे बिखरे दिखाओ थोड़े तो, बीच बीच में गैप दिखाओ बेटा। सर कितना गिन के ड्रॉ करने का? अरे नहीं पागल है क्या, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, रट्टा मत मार बेटा, ओके रैंडम, मैं बोल रहा हूँ ना रैंडम दिखाओ इसको, बीच बीच में स्पेस दिखाओ, ऐसा ओवल और राउंड शेप सेल्स नीचे की तरफ उतर रहे हैं, सर ये सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा बेटा ये सेल्स को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जी टिश्यू। अब ये अपीयरेंस देख के तुझे पता चला कि जो लीफ का कट सरफेस है ना, यानी यहां पे मीजोफिल और नीचे स्पॉन्जी टिश्यू, यहाँ पे मीजोफिल और स्पॉन्जी टिश्यू, ये अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, यानी लीफ का ये पूरा अपर एपिडर्मिस और पीछे का पूरा लोअर एपिडर्मिस, और बाजू से जो थिकनेस देखेगा थ्री डायमेंशनली वो पूरा मीजोफिल है जो दो लेयर में डिवाइडेड है। एनीवे इतना ज्यादा सोच मत, पागल हो जाएगा, सोचने का थोड़ा पागलपन जरूरी है, बायो अपना प्यार है। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू दोनों को साथ में मिलाकर हम लोग बोलेंगे द मिडल लेयर कॉल्ड एज मीजोफिल, और मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरा होता है, इसलिए बेटा मैंने इसको ग्रीन कलर से दिखाया, ओके फाइन। चलो मूविंग ऑन, फिर उसके बाद ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना ये वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू में जो सेल्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप सेल्स दिखाएंगे हम लोग, और यू कैन से बैरल शेप सेल्स, सभी में दिखा देते हैं। इसी के थ्रू पानी पहुंचता है इनको, ओके, और इसी के थ्रू ये लोग फूड सप्लाई करते हैं अलग अलग पार्ट को बेटा, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स है इसलिए उसको वैस्कुलर बोलते हैं बेटा,
अच्छा यहाँ तूने ये बात सीखा कि वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग है और ये साइज वेन्स पर डिपेंड करता है, और ये साइज क्यों अलग अलग है क्योंकि यहाँ वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन है बेटा। ओके ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत हार्डली लोगों को ये समझता है बेटा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर वो चीज जो मुझे अच्छे से आती है, जो मुझे समझ में आती है, डेफिनेटली मैं तुम तक लाऊंगा, क्योंकि तू भी बायो वाला है, मैं भी बायो वाला हूँ, हम दोनों सेम ओरिजिन से है और सेम डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके फाइन, सो दीज आर वैस्कुलर बंडल्स। अच्छा अब ये वैस्कुलर बंडल के अंदर ना जाइलम और फ्लोएम दो किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें से जाइलम को मैं ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। लेट अस से ये जाइलम है, ओके और फिर नीचे की तरफ जो सेल्स है ना, वो सेल्स है फ्लोएम। अब एक काम करते, फ्लोएम वाले सेल्स को थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा फर्क अपने को पता चले बेटा। अच्छा बेटा यहाँ है ना, ये लैंग्वेज याद रखना, जाइलम ऊपर की तरफ है, अपर एपिडर्मिस की तरफ है, और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ है बेटा। हाईफाई लैंग्वेज में जाइलम इज टुवर्ड्स दी अडैक्सियल सरफेस एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स दी अबैक्सियल सरफेस, नीचे की तरफ। ओके फाइन, अब बचा क्या, ओके अब मैं थोड़ा फिलर कंटेंट ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, टिकली टिकली। सो इफ यू वांट तुम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और इफ यू वांट टू एंजॉय द वीडियो विथ मी कंटिन्यू टू वॉच, बिकॉज कैसे ना डायग्राम के लिए एक अलग ही प्यार होता है बेटा। लोग हमारे टाइम में जब डायग्राम ड्रॉ किया करते थे, डायग्राम में जान डाल देते थे, अभी भी वो प्यार एग्जिस्ट करता है। When I was a student just like you, for my 12th standard, जब ये सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया तभी पागल हो गया, तभी डिसाइड कर लिया शादी करेगा तो इसी से करेगा, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। शादी करेगा यानी प्यार करेगा, सो आई गॉट कमिटेड टू दिस सब्जेक्ट। फिर क्या, तब से बायो बन गया बायो। कैसे ना, हर सेल के अंदर यू विल फाइंड सम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का कंटेंट। ओके दैट इज व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट। ओके अब बाकी बचा जो नेमिंग है ना बेटा वो फिनिश कर लेते हैं। अब बाकी बचे नेमिंग में ये याद रखो, ऊपर की तरफ जो है, ओके दैट इज जाइलम, नीचे की तरफ जो सेल्स है दैट इज फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम को साथ में मिलाकर क्या बोलोगे, वैस्कुलर बंडल। और ये वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू में जो सेल्स है, ओके उसको हम लोग बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स। ये वाले सेल्स है बेटा आजू बाजू में, दीज आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स, ये याद रखना। अच्छा इसके अलावा तुम देख सकते हो स्टोमेटा के ऊपर अप्रोक्सीमेटली ये ट्राइंगल जैसा स्पेस बन रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सब स्टोमेटल चेंबर।
और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सब स्टोमैटल कैविटी. फिर स्पॉन्जी टिश्यू के बीच बीच में जो जगह है ना बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे एयर कैविटी. ऑल्सो कॉल्ड एज एयर स्पेस. यानी देखो ना, ये बीच बीच में जो जगह है यहां पर कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं उसका हवा है यार. सॉरी, यानी जहां कुछ नहीं उधर हवा होता है. समझ जाया करना, तेरा मेरा कुंडली मैच होना चाहिए. तू भी बायो पढ़ रहा है, मैं बायो पढ़ रहा हूं, सो यू शुड अंडरस्टैंड बेटा. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज एयर कैविटी, आल्सो कॉल्ड एज एयर स्पेस. सो बेटा, दैट इज द डायग्राम ऑफ कट सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट लीफ. ओके, सो अब इसको अगर हम लोग लो पावर में देखें और लो पावर में देखें और यहां देखें, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहां डिस्कस किए ना, इसके इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स यहां पे कवर कर लेते हैं बेटा. तो डाइकॉट लीफ में सबसे पहले ऊपर की तरफ, ओके, हमने क्या क्या देखा, स्टार्ट नोटिसिंग. सबसे पहला शॉर्टकट देखा था डीआर. डीआर मींस डाइकॉट प्लांट में विच वेनेशन यू हैव, रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ. वाई डॉर्सी वेंट्रल लीफ? बिकॉज द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर डिफरेंट. अभी अभी डिफरेंस बिटवीन में हम लोग ने देखा था कि ऊपर वाला सरफेस ज्यादा डार्क होता है क्योंकि उसमें सनलाइट ज्यादा होती है बेटा. अच्छा, नेक्स्ट यहां हम लोग और क्या देख रहे हैं कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में से स्टोमेटा कहां पर है, नीचे की तरफ है. सो वी विल ऑल्सो राइट डाउन स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस. ओके, कट सेक्शन में टोटल तीन लेयर्स दिखे बेटा अपने को. कौन से अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड लोअर एपिडर्मिस. जिसमें से अपर एपिडर्मिस इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बैरल शेप्ड सेल्स, ओके राइट, एंड लोअर एपिडर्मिस बोथ आर कवर्ड बाय क्यूटिकल. सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर कवर्ड बाय वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. And what does cuticle do? Cuticle offers a protection and prevents water loss. Next, mesophyll की बात करें तो बेटा mesophyll में क्या देखा तुमने? Mesophyll was differentiated into two layers. Here the mesophyll is differentiated, that means it is divided into two layers. What are those two layers beta? Palisade tissue and spongy tissue. Okay, ab meri baat dhyan se suna. Palisade tissue kaisa dikh raha tha beta? सारे सेल्स से टेस्ट ट्यूब जैसे ना, राइट. तो पैलिसेड टिश्यू में द सेल्स आर एलोंगेटेड, दे आर प्लेस्ड वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर. एंड द पैलिसेड टिश्यू इज अडैक्सियली प्लेस्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाई फाई ग्रामर इंग्लिश देख. हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है,
When I say they are adaxially placed, that means the dorsal surface की तरफ, upper epidermis की तरफ है ना palisade tissue. वैसे spongy tissue का हम लोग बोलेंगे तो वो lower epidermis की तरफ है. So they are placed at the bottom. So they are abaxially placed. So palisade tissue का पूरा detailing हो गया बेटा. Then moving on, spongy tissue. Spongy tissue में cells का shape क्या बेटा? So they are oval to round. Next, these are loose parenchyma cells. And they are abaxially placed. Next, what did you learn about the vascular bundle, beta? Vascular bundle, point number one, since it is dicot, so remember it is conjoint, collateral, open. Why conjoint, collateral, open? Open because cambium is present with it. Okay, next. Vascular bundle का जो size है ना, vascular bundle size undergoes variation, बदल रहा है ना बेटा, and the size is dependent upon vein size. यही बात कहता हम लोग ने, जैसा वेन का साइज रहेगा, अब ये वेन मोटा था तो यहाँ वैस्कुलर बंडल मोटा है, ये वेन छोटा है तो यहाँ वैस्कुलर बंडल छोटा है, और ये और भी छोटा हो गया. सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द वेन्स. नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल्स, इट इज सराउंडेड बाय सेल्स विच आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स. Okay, beta, right? Fine. Then what you have is the lower epidermis, and what you find is the substomatal chamber and the air space or the air cavity. So, well, students, that's all about the anatomy of dicot leaf. I request you to take good screenshot of this. अच्छा screenshot ले लो फटाफट. चल बेटा continue करें. Okay. Now what we are going to talk about is anatomy of monocot leaf. Okay. I hope you all have understood what I have taught you so far, beta. थक तो नहीं गया ना? थकना भी नहीं है. डॉक्टरी लाइन अगर चूज किए हो तो मेहनत तो करना ही है बेटा. मैं जब पढ़ा पढ़ा के नहीं थक रहा हूँ तो तू पढ़ पढ़ के क्यों थक रहा है बेटा? ओके, आई टेक वन मोटिवेशनल लेक्चर फॉर यू सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड की वाई टू बिकम डॉक्टर. चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे. एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन लीफ. ये लीफ को हमने यहां से कट कर दिया. अब यहां से कट करने के बाद ये इस लीफ का कट एंड हो गया और ये उसका लोअर कट एंड होगा. सेम बैटर ना, जैसा अभी अभी डिस्कस किया था ना वैसा ही सेम बैटर. ठीक है, राइट. अच्छा, अब ये जो कट सरफेस है इसको बाहर निकाल के हम लोग जूम करते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए बेटा. ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस. ये फूला हुआ हिस्सा है, दिस इज द सोलन पार्ट, लोअर सोलन पार्ट. ओके, और साइड्स में यू फाइंड दिस. पीछे की तरफ पूरा लीफ का सेक्शन है. ओके, सो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बेटा.
आगे का कटा हुआ हिस्सा हमने डिस्कार्ड कर दिया है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब बच्चों क्योंकि ये मोनोकॉट लीफ है, सो मोनोकॉट लीफ में सबसे पहली जरूरी बात हम क्या सीखते हैं, मोनोकॉट लीफ शोज विच वेनेशन बेटा, पैरेलल वेनेशन, राइट? ओके, पैरेलल वेनेशन यानी ये देख, ये इसका बीच वाला लाइन होगा जिसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले सेम पैटर्न में डिस्कस किया था बेटा। ओके, फिर इसके आजू बाजू में लाइंस होंगी, और ये आजू बाजू की जो लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स। सो इसका जो मिडरिब है, थ्री डायमेंशनल इमेजिन करो, ये आया मिडरिब ऊपर से, तो यहां पर इसका ये वैस्कुलर बनना है। ओके, फिर सारी लाइंस पैरेलल आएंगी, तो अब नेक्स्ट वेन जो है वो भी यहां से पैरेलल आ रहा है आजू बाजू में। तो लेट्स से यहां से एक वेन आया पैरेलल, यहां से एक वेन आया पैरेलल, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल, इसके बाद और एक वेन आया पैरेलल, और एक वेन आया पैरेलल, तो एक और वैस्कुलर बंडल। तो यहां पे मेन बात हम लोग ये सीख रहे हैं कि वैस्कुलर बंडल का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, हाँ खाली बीच वाला वैस्कुलर बंडल मोटा होगा क्योंकि वो मिडरिब वाले सेक्शन में बैठा, बाकी सारे वैस्कुलर बंडल का साइज सेम है। यानी वापस से अगर इमेजिन करें, ये लीफ को हमने काट दिया, तो समझो ये लीफ है, काटा बीच से दो टुकड़े हो गए बेटा, जिसमें से ये वाला सरफेस, ये कट एंड, इसको हमने जूम करके देखा, राइट? सो ये कट एंड को तू देख रहा है, अब ये कट एंड में यहां से मिडरिब आ रहा है, सो बीच वाला वैस्कुलर बंडल मोटा है, बाकी सारे लाइंस पैरेलल है ना, पैरेलल वेनेशन है, तो बाकी सारे वैस्कुलर बंडल का जो टिप है वो इक्वल साइज का दिखेगा, डाइकॉट में वो इक्वल साइज का नहीं दिख रहा था। ये पॉइंट हम लोग यहाँ लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी सी इज, वैस्कुलर बंडल आर ऑफ इक्वल साइजेस एक्सेप्ट मिडल वैस्कुलर बंडल, बीच वाला ना, मिडल वैस्कुलर बंडल विच इज बिगर, वो बड़ा है ना बेटा, and why the middle vascular bundle is bigger, because of midrib, acha next point that we have to remember is monocot mein vascular bundles are conjoined collateral and closed. Why it is closed? Because cambium is absent. ये ना अच्छे से याद रख लो बेटा, मोनोकॉट में कैम्बियम इज एब्सेंट और डाइकॉट में कैम्बियम इज प्रेजेंट, इसलिए वहां पर कंजॉइंट कोलैटरल ओपन था। अच्छा अब बेटा इतने कट सरफेस को जूम करके हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करें, सो मैं इससे चालू करूंगा, ये जो है ना अपर एपिडर्मिस। ओके राइट, सो इसका एक अप्रोक्सीमेट शेप ले लेते, दिस शुड बी बेटर। ओके फाइन, अब इसमें ना सब जगह सेल्स दिखाना बेटा। ओके, सो दीज आर द सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस। सर आपने वहां एक गैप बनाया, हाँ गैप बनाया बेटा, बिकॉज वहां पे हम लोग स्टोमेटा ड्रॉ करेंगे, अब ये मोनोकॉट लीफ है ना,
सो मोनोकॉट लीफ में यू विल फाइंड स्टोमेटा ऑन द अपर एपिडर्मिस एज वेल एज ऑन द लोअर एपिडर्मिस. तो देखो यहाँ दो जगह मैंने गैप बना दिया बेटा. अब लोअर एपिडर्मिस भी सेम स्टाइल में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं, इसमें भी गैप रख देता हूँ स्टोमेटा के लिए. ओके देन दोनों का नेमिंग करते जाते हैं तो क्या है कि इजी रहेगा बेटा. सो दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस एंड बोथ अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दे आर कवर्ड by a waxy layer called as cuticle. Okay, fine. So यही points यहाँ लिखते जाते हैं. Upper epidermis, which is adaxial, and a lower epidermis, which is abaxial. ये दोनों पे अपने को क्या क्या दिख रहा है बेटा, ये दोनों पे हमको क्यूटिकल भी दिख रहा है which is a waxy covering जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं. और क्यूटिकल के साथ साथ दोनों पे मेरे को स्टोमेटा दिख रहा है ना. स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है ना, इसलिए मैं एक हाईफाई लैंग्वेज लूंगा इसके लिए. इट इज एम्फीस्टोमैटिक लीफ. क्या भारी इंग्लिश बोला है. एम्फीस्टोमैटिक लीफ यानी वो लीफ जिसके पास स्टोमेटा एम्फी, एम्फी यानी दोनों सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस. ओके फाइन. अच्छा अब जहां पे हमने स्टोमेटा ड्रॉ किया ना, वो स्टोमेटा का सेक्शन पूरा फिनिश कर लेते बेटा. सो यहाँ पे ये येलो कलर के सेल्स ड्रॉ करते हैं विच आर गार्ड सेल्स. ओके, सो द येलो कलर्ड सेल्स रिप्रेजेंट्स गार्ड सेल्स और उसके बीच में जो होल है दैट इज स्टोमेटा. ओके और स्टोमेटा के जस्ट ऊपर जो चेंबर रहता है दैट इज कॉल्ड एज सब स्टोमेटल चेंबर. तो ये सब तो सेम ही है बेटा. अच्छा अब एक अलग बात देखो, इसमें ना अपर एपिडर्मिस में कुछ कुछ सेल्स बहुत ज्यादा स्वोलन होते हैं, फूले हुए होते हैं. सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. अब मैंने यहाँ के सेल को रब कर दिया, ये एक सेल को रब कर दिया यहाँ पर. ओके एंड लेट्स से यहाँ के एक सेल को रब कर देता हूँ. रैंडमली कोई भी सेल तुम लोग रब कर सकते हो बेटा. और इमेजिन करो कि वो सेल ना बहुत मोटा है. अब ये वो सेल बाकी सेल के मुकाबले काफी मोटा है. ओके राइट. अब ये जो मोटे वाले सेल्स है ना अपर एपिडर्मिस में, इसको हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. बुलीफॉर्म सेल्स का काम क्या है, लीफ को रोल करने में मदद करता है, लीफ रोलिंग में काम आता है. अच्छा तो इसका इंफॉर्मेशन यहां लिखते हैं. मोनोकॉट में फॉर एग्जांपल ग्रासेस, इनके अपर एपिडर्मिस में शोज लार्ज कलरलेस सेल्स विच आर कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स. अब देखिए सर, ये बुलीफॉर्म सेल है, इसमें ना जब पानी आएगा ओके राइट, तो ये सेल कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड होने की वजह से लीफ
इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्यूब की तरह हवा भरा तो ट्यूब कैसे टाइट हो जाता है, वैसे लीफ एकदम टाइट हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सनलाइट का ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उसको. पर समझो अगर वाटर क्राइसिस है, ओके, सो इस सेल में से अगर पानी चले गया, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर स्ट्रेस. यानी पेड़ टेंशन में है ना कि यार पानी का बहुत मारा मारी है, ओके. अब पानी चले गया ना तो ये सेल क्या करेगा, मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा. इसको हाईफाई लैंग्वेज में बोलते हैं सेल विल बिकम फ्लैसिड. टर्जिड का मतलब ये सेल फूल गया ना, इट बिकम्स स्वोलन मेटल. और फ्लैसिड का मतलब इट विल श्रिंक. और ये एक बार श्रिंक होगा ना तो इसके वजह से वेरी इंपॉर्टेंट लीफ कर्ल करेगा और यू कैन से लीफ रोल करेगा. और लीफ है ना एक बार ये बुलीफॉर्म सेल्स जब मुरझाने लगते हैं ना तो लीफ के मार्जिन्स अंदर की तरफ आने लगते हैं, तो लीफ धीरे धीरे अपने सरफेस को अंदर ले जाते हैं. बोलते हैं भाई अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, खुल के ऐसा घूमो मत, क्योंकि तुम जितना खुल के घूमेगा तुम्हारे स्टोमेटा से सन है ना पानी का चुस्की मारेगा, पानी का और नुकसान होगा. इसलिए लीफ अपने सरफेस को अंदर की तरफ लेता है और इसको अंदर की तरफ ले जाने के लिए जो सेल्स काम में आते हैं उसका नाम है बुलीफॉर्म सेल्स. क्या कमाल का नेचर ने मैकेनिज्म बनाया सोचो बच्चो, ओके, राइट. सो दीज आर बुलीफॉर्म सेल्स. अच्छा अब हम लोग है ना वैस्कुलर बंडल ड्रॉ करते हैं बीच में. बीच वाला जो वैस्कुलर बंडल रहेगा ना बड़ा रहेगा, आजू बाजू के वैस्कुलर बंडल्स उससे कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होंगे पर साइज ऑलमोस्ट सेम बेटा. क्यों वैस्कुलर बंडल का साइज सेम है, क्योंकि पैरेलल वेनेशन है, वो वेन्स पर डिपेंडेंट करता है. और डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग था बेटा, ओके. वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू में जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स. So now what we are drawing is bundle sheath cells. सारे वैस्कुलर बंडल्स. इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट में याद रखना बेटा कि जाइलम ऊपर की तरफ रहेगा, ओके. सो लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल सब में ये है जाइलम, और जो सेल नीचे की तरफ है ना बेटा ये है फ्लोएम. ये भूलना मत बेटा, रुक आई विल राइट दिस पॉइंट. तो सब में तुम क्या देख रहे हो, जाइलम इज टुवर्ड्स द एडैक्सियल सरफेस यानी अपर एपिडर्मिस की तरफ है, यानी डॉर्सल सरफेस की तरफ है ना, ओके. और उसका ऑपोजिट तू याद रख लेगा फ्लोएम. फ्लोएम इज टुवर्ड्स द लोअर सरफेस, राइट, दैट इज वेंट्रल सरफेस और अबैक्सियल सरफेस. वो मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, वो तू डायरेक्ट याद रख, ओके, राइट, फाइन. चलो इतना रीमिंग कर देते. सो दिस इज जाइलम, इसके नीचे के जो सेल्स है वो फ्लोएम. साइलम और फ्लोएम को साथ में मिलाकर हम लोग बोलेंगे वैस्कुलर बंडल. देन बेटा रिमेनिंग सेल्स दैट यू सी इन बिटवीन, ओके, दोज आर मेसोफिल सेल्स. और यहां पे ना मेसोफिल में सब अप्रोक्सीमेटली ऐसा राउंड टू ओवल शेप सेल्स बनाएंगे हम लोग. और स्पेशल बात ये रहेगी कि यहाँ पे पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू नहीं है, सारे सेल्स एक दूसरे की तरह ही दिख रहे हैं, ओके. सो इसको हम लोग कंप्लीटली फिल अप कर देते हैं विद मेसोफिल सेल्स.
सर रहने दो ना, हमको समझ गया। हाँ तुझे समझ गया ठीक है, पर मेरी दीवानगी बायोलॉजी के लिए अलग है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव टू ड्रॉ डायग्राम। एक बार शुरू किया तो अच्छे से फिनिश करना होता है, डायग्राम में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। डायग्राम रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ अ बायो स्टूडेंट, ओके राइट। सो ये जो सारे के सारे सेल्स हमने भर दिया ना, दीज आर मेसोफिल सेल्स। द मिडल लेयर कॉल्ड एज मेसोफिल, ओके। एंड दिस लेयर ग्रीन कलर का क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोनोकॉट है, सो द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड into palisade and spongy tissue. Okay, beta? Achha, fine. All cells mein we will represent its cellular content with dotted structure. सेक्शन तू अगर चाहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर ले, तू अगर देखना चाहता है देख भाई, देश आजाद है, जिसको जो करना है करो राइट। बट हम हमारे सब्जेक्ट में लीन है, वी आर बिजी इन अवर यूयो बायो। सारे पॉइंट्स रिवाइज कर ले जो बोर्ड पे लिखे हैं बेटा। भर गए सब? ऑलराइट फाइन ओके। सो दैट इज द कट सरफेस ऑफ अ मोनोकॉट लीफ, यानी ये वाला सरफेस ये, ओके okay, और यही पूरे के पूरे लीफ में तुमको मिलेगा। वेर यू सी प्रेजेंस ऑफ अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, ओके हियर वी विल मेंशन अपर एपिडर्मिस, ऑलवेज रिमेंबर इट इज अटैक्शियल, दैट इज द डॉर्सल सरफेस, एंड लोअर एपिडर्मिस इज अबैक्शियल, दैट इज द वेंट्रल सरफेस, ओके राइट। जाइलम ऊपर की तरफ, फ्लोएम नीचे की तरफ, आजू बाजू के जो सेल्स है उसको बोलेंगे बंडल शीट सेल्स। वैक्स लाइक कवरिंग इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, ओके। एंड देन अदर देन दिस यू विल फाइंड अदर सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल, ओके फाइन। सो बच्चो दैट्स ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ, ओके। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जो इस टॉपिक का सबसे कठिन वाला हिस्सा है, ओके इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने लीफ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि एक लीफ का एनाटॉमी कैसा होता है। ये कैसा ना बच्चों की देखो, बाकी के लोगों के लिए कैसा है कि लीफ इज लीफ, हाँ हरे रंग का दिखा, पेड़ से जुड़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बना के देता है, क्लोरोफिल है, बस इतना ही पता है। बट कैसा कि हमारे लिए लीफ का इमेजिनेशन अलग होता है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू सिट फॉर पूजास, ओके, जब घर में ऐसे पत्ते चढ़ाए जाते थे, उसकी माला बनाई जाती थी, सो मैं वो पत्तों को देखते रहता था, अच्छा दिस इज दी अडैक्सियल सर्फेस, दिस इज दी अबैक्सियल सर्फेस, इस पे पैरेलल वेनेशन है, इस पे रेटिकुलर वेनेशन है। तब से माय फैमिली मेंबर्स ने अंडरस्टूड,
राइट, यहाँ ये बायो स्टूडेंट है, ये बायो में जाने वाला है, ये पागल हो चुका है। ओके, रास्ता चलते जब भी है ना एक पत्ता गिर जाता है ना, राइट। सो नॉन बायो स्टूडेंट्स कैसे है ना, बाकी लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो पत्ता गिर गया, बट एक बायो स्टूडेंट बोलते हैं अरे दिस इज द अपर एपिडर्मिस कवर्ड बाय द क्यूटिकल, ओके, विद स्टोमेटा, विद द मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू शोइंग प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय द बंडल शीट सेल्स व्हिच फ्लोएम ऑन द लोअर सरफेस एंड द जाइलम ऑन द अपर सरफेस, दिस हैज फॉलन डाउन। देन पीपल आर थिंकिंग अरे पत्ता ही तो गिरा है, तू कहां इतने सारे स्ट्रक्चर्स गिरा दिया। तब तुम उसको बोलने का बेटा ये लीफ का एनाटॉमी है, ये पत्ते के अंदर के पार्ट्स हैं जो तुमको नहीं पता चलेगा, हम बायो वालों का वाइब्रेशन ही अलग होता है, ये याद रखो। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क मी, बच्चों देखो कैसा है ना कि अगर मेडिकल करना है ना तो ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में आना चाहिए, सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी कि तेरे को बायो से प्रेम काय को, आई यूज्ड टू टेल बायो मेरी बाइको और उसके लिए मैं साइको। ओके राइट, सो आप लोग भी मन लगा के पढ़ते रहिए बेटा, रीड विद अटमोस्ट डेडिकेशन, विद वेरी 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 ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क बेटा। ओके, द सब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग दैट यू गिव टू दिस सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड व्हेन यू विल बिकम डॉक्टर, सब्जेक्ट सब कुछ तेरे को वापस देगा, मेहनत कर इस सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। मन लगा के पढ़ो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू बच्चों।